उदयपुर के नीमच माता मंदिर में देर रात हुई चोरी, सीसीटीवी कैमरा में हुआ रिकॉर्ड। दरअसल नीमच माता मंदिर में देर रात चोरों ने धावा बोल दिया। रात करीब 2 बजे चार चोर मंदिर में घुसे और वहां सो रहे चौकीदार को बंधक बना दिया और चोरी कर ली। चोरों ने मंदिर के गर्भगृह से चांदी के 2 छत्र और मंदिर का दान पात्र तोड़कर हजारों की नकदी चुरा ली। इसके साथ ही चोर चांदी के सिक्के भी लेकर गए। इसके साथ ही माता जी के सर पर लगा चांदी के मुकुट को भी चोर ले गए। मंदिर में कई सारे सीसीटीवी कैमराज भी लगे थे। चोरों ने सीसीटीवी कैमराज के साथ छेड़खानी की और उसके वायर काट दिए। अम्बा माता पुलिस सीसीटीवी की मदद से चोरों को ढूंढने का प्रयास कर रही है। सीसीटीवी के माध्यम से ये भी पता चला है कि चोरों के हाथों में तलवारें थी। घटना के संदर्भ में चौकीदार बाबूलाल ने बताया कि रात करीब 2 बजे चार बदमाश मंदिर में पहुंचे। उस वक्त मंदिर का पुजारी वहां मौजूद नहीं था। इसी दौरान वह चौकीदार बाबूलाल उस समय सो रहा था और चोर उसके पास आए। उन्होंने उसे कहा कि सोए रहना वरना जान से मार डालेंगे। इसके साथ मंदिर के पास सहायक पुजारी भूरा जी के पास जाकर चोरों ने तलवार दिखाकर चौकीदार के पास सोने को कहा। उसके बाद 2 चोर पुजारी और चौकीदार के पास खड़े रहे, वहीं 2 चोरों ने मंदिर में चोरी करी। चोरों के वहां से जाने के बाद चौकीदार ने तुरंत मुख्य पुजारी को फोन करके घटना की जानकारी दी। पुजारी ने तुरंत ही पुलिस को घटना के संबंध में जानकारी दी। पुलिस ने वहां आकर चौकीदार से घटना की पूरी जानकारी ली और उसके बाद सीसीटीवी को खंगाला ताकि चोरों को पकड़ा जा सके। पुजारी ने बताया कि नवरात्रि के बाद से दान पेटियों को नहीं खोला गया था, जिस वजह से उसमें कई सारा नकद है। Thank you.